Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में अदालती हुक्म के बावजूद आयशा भवानी ट्रस्ट के ओहदेदारान का स्कूल खोलने की इजाजत देने से इनकार। तलबा और असातिज़ा का इमारत खुलवाने के लिए एहतजाज, फरीकैन में धक्कंपे। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की सेहत से खिलवाड़, अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स की भर्तियों का इंकशाफ। जाली डॉक्टर्स अफगानिस्तान से जाली डिग्रियां लेकर सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं, बाज ने 10 साल की सर्विस भी मुकम्मल कर ली। NA-120 पर शेर सबको खा गया, रिटर्निंग अफसर मियां शाहिद के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कुलसूम नवाज 61,745 वोट्स लेकर जीत गई। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद की 47,099 वोट्स लेकर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार बदतरीन शिकस्त से दो चार, लीगी कारकुनों का जश्न। अवाम ने बता दिया, तुम्हारा जो भी फैसला हो हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ है। अवाम ने अदालती फैसला और अदालत के तर्जुमानों को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा डालने वाले हार गए, मरियम नवाज का कारकुनों से। नाइंसाफी पर मबनी फैसला आपका पीछा करता रहेगा, वालदा की जीत पर मरियम नवाज का ट्वीट। शोहर के हमरा वालदा की अयादत के लिए लंदन चली गई। मौसर इलेक्शन मुहिम पर नवाज शरीफ की बेटी को मुबारक। इमरान खान का यास्मीन राशिद को खिराज तहसीन, कहा यास्मीन राशिद ने नून लीग और उसके फंड्स का भरपूर मुकाबला किया। यास्मीन राशिद का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान, कहती हैं कि वो अपनी हिमायत पर आवाम की शुक्रगुजार। हल्का तहलका में इस वक्त हम मौजूद है NA-120 में। बर वक्त और मुस्तनद खबरें देने की आज न्यूज़ की रिवायत बरकरार रही। NA-120 पर आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हल्का तहलका आवाम में खूब मकबूल हुई। कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने साल 2010 से 17 तक की तफसीलात इलेक्शन में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के वकील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दस्तावेजात जमा कराने की रसीद मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम हो गए, कहा आप ये दस्तावेजात जमा कराने के पाबंद हैं। वकील ने माजरत की तो कहा आप हर बार ऐसा करते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील की इलेक्शन कमीशन से पार्टी फंडिंग की तफसीलात मुखालिफ फरीक को ना देने की सदा, लाहौर हाईकोर्ट ने असासे वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दे रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, समाप्त 16 अक्टूबर तक मुलतवी। कवानीन के मुताबिक पार्टी फंडिंग की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती, इलेक्शन कमीशन के कवायद पर दोबारा गौर की जरूरत है। लाहौर के जिमनी इलेक्शन में 65% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की मीटिंग, PTI के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं फैसले में साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी जराये से पैसा लिया। इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ अकामा केस पर फैसला महफूज कर लिया। मामला मुमकिन तौर पर लाजो बेंच को भेजा। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने दायर की, कहते हैं आर्टिकल 62 के तहत ख्वाजा आसिफ भी नाअहल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। मजीद समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। हुजूम इकट्ठा करके अदालतों के खिलाफ हर्जा सराई जुर्म है। आईन किसी को अदालती अहकाम की तौहीन की इजाजत नहीं देता। दरखास्त गुजार का मौकिफ। मुस्तफा कमाल ने MQM पाकिस्तान की एक और विकेट गिरा दी। रुकन सिंध असम्बली नदीम राजी पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारी सच्चाई की वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। खातौलूद की जिंदगी खत्म। लवाहिकीन का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स बिल्डिंग को ताला लगाकर फरार। लवाहिकीन की दुहाई। बिल्कुल सही गई थी, लेकिन वो ड्रिप जो थी ना उन्होंने लगाई, उसके बाद उनका BP शूट कर गया था। और वो ड्रिप जो लगती है वो पहले लगती है टाइमिंग से, वो अब एंड की टाइमिंग में लगा रहे थे वो। सखर में खैरपुर बाईपास के करीब ऑयल टैंकर से ट्रक टकरा गया। 8000 लीटर पेट्रोल बह गया मोटरवे। पुलिस ने हिफाजती इकदाम करते हुए 1 किलोमीटर तक शाहरा बंद कर। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस खत्म करने की कोशिशों का फिर आगाज। 56,20,000 से ज्यादा बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे फैलाने का काम जारी। अमरीका और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया पर मजीद दबाव डालने पर मुत्तफिक। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कोरिया के सदर पर तंज। रॉकेट मैन नाम रख दिया। लंदन में जेर जमीन पर हमले के शुबे में जेर हिरासत दूसरे मुलजिम की शनाख्त भी जाहिर कर दी गई। 21 साला नौजवान यहया फारूक का ताल्लुक शाम से है। धमाके में 30 अफराद जख्मी हुए थे। जापान के शुमाली इलाकों में समंदरी तूफान टैलम से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 8 से ज़ायद परवाजें मंसूख। ट्रेन सर्विस भी मौतल। 3,000 से ज़ायद घर बिजली।